हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष, आप सभी का अपने चैनल मनीष दिवस में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं, जैसे कि बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में आधार फीड नहीं है, उसके लिए परेशान रहते हैं, उसकी वजह से सब्सिडी वगैरह नहीं आ पाती हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं, उसके लिए बैंक के चक्कर लगाते रहते हैं, आधार फीड नहीं हो पाता है, परेशान रहते हैं। तो मैं आपको आज ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे ही और अपने किसी भी बैंक अकाउंट में आधार फीड कर सकते हैं, AEPS इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए बताता हूँ वो ट्रिक है, AEPS इनेबल कर सकते हैं, आधार फीड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों, गूगल ओपन करेंगे, गूगल पर डालेंगे NPCI और यहां क्लिक कर देंगे, और जो सबसे फर्स्ट वेबसाइट आएगी उसी पर क्लिक करेंगे। ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और सबसे पहले हमें जाना है कंज्यूमर पे। कंज्यूमर पे क्लिक करना है। कंज्यूमर पर क्लिक करके भारत आधार सीडिंग पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों, आपके सामने एक इंटरफेस खुल जाएगा इस तरह से। देखिए, वही ओपन हो रहा है। तो यहाँ दोस्तों, आपको अपना आधार नंबर डालना है, और आधार नंबर डालने के बाद नीचे सीडिंग पर क्लिक करना है। नीचे यहां पर फ्रेश सीडिंग करनी है तो फ्रेश सीडिंग पे मूवमेंट विद द सेम बैंक विद अनदर बैंक। अगर सेम बैंक में दूसरा खाता है तो दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां पे सबसे पहले अपनी बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मेरा बैंक कैनरा बैंक है। और दोस्तों, बैंक सेलेक्ट करने के बाद फ्रेश सीडिंग करनी है, फर्स्ट टाइम सीडिंग करनी है फ्रेश सीडिंग पे। और सेम बैंक में आधार को मूव कराना है तो मूवमेंट विद इन द सेम बैंक विद अनदर अकाउंट, और अदर बैंक में आपको अपना आधार यहां से मूव कराना है तो क्लिक करेंगे मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक पे। मैं दोस्तों देखिए, यहां फ्रेश सीडिंग पे क्लिक कर देता हूं, मूवमेंट। उसके बाद यहां पर अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, जो भी बैंक का हमारा अकाउंट नंबर है, यहां पे भी अकाउंट नंबर डालेंगे, कंफर्म कराएंगे और यहां राइट का निशान लगाएंगे, यहां भी निशान लगाएंगे और नीचे ये कैप्चा डालेंगे जो आ रहा है दोस्तों। कैप्चा डालने के बाद और प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद थोड़ी देर बाद आपका आधार फीड हो जाएगा। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका आधार और आपके अकाउंट में फीड हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको ये जानकारी कितनी यूजफुल लगी। थैंक यू दोस्तों।